सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष तो आपस में इतना बटा हुआ है, मायावती अलग से, कांग्रेस अलग, प्रियंका गांधी अलग लगी हुई है, तो विपक्ष का जो वोट है वो तो बट जाएगा, आपस में ही लड़ लड़के ये लोग वो करेंगे, नुकसान करेंगे एक दूसरे का। बीजेपी तो वैसे ही काम के बलबूते आने वाले हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ विपक्ष की विचारधारा कोई भी हो, कितना भी बटा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे जितनी भी लोग हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, आबादी कोई भी हो, सबके सब भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। आज जानना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कहां है। अगर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो किनके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी में देखिए अपॉइंटमेंट्स किसके हैं। क्या जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? थानों में क्या जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या इनकाउंटर को लेकर के जात के आधार पर भेदभाव नहीं है? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि योगी ने आने के बाद करप्शन खत्म किया, क्राइम खत्म किया, जो कि बहुत पहले से चला रहा था, तो योगी ने तो यहाँ पे चीजें ठीक की हैं। क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो, केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब है? तमाम विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, तमाम मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है कि किस तरीके से कोरोना के समय पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, एक एक सामान की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। आज सड़कें कहां बन रही है बताए सरकार? क्या बिजली इतनी महंगी हुई उसका जवाब है सरकार के पास? जो नौकरियां थी, क्या संस्थाओं में नौकरियां, बांदा का प्रकरण नहीं सामने आया? क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रकरण सामने नहीं आया? कहने को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बताइए दलित वाइस चांसलर कितने बने हैं, पिछड़े वाइस चांसलर कितने बने हैं? आज थानों को लेकर के जो सवाल खड़ा करते थे, आखिरकार थाने में किस तरीके से अन्याय हो रहा है? कस्टोडियल डेथ अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि जिसकी जेल में हत्या हो जाए, जेलों में हत्या हो जाए, इतने झूठे मुकदमे किसी सरकार ने नहीं लगाए होंगे जिस तरीके से मुकदमे लग रहे हैं। कोई बाकी नहीं बचा जिन पे झूठे मुकदमे ना लगा दें। और जब अधिकारी मिलकर के राम जन्मभूमि के लिए जो जमीन मंदिर के लिए, वहां भ्रष्टाचार हो सकता है तो कहां भ्रष्टाचार बचा होगा? लेकिन अखिलेश जी, योगी के 5 साल के कार्यकाल में आपको कोई तो अच्छा काम नजर आता होगा, कोई तो आपको तारीफ करने लायक लगता होगा, या सिर्फ विपक्ष के नाते आलोचना ही है? अच्छा काम यही नजर आ रहा है कि 4.5 साल खत्म हो गए हैं, आखिरी के 6 महीने बचे हैं, और अच्छे दिन के इंतजार करते हुए जनता नहीं अच्छे दिन मिले उन्हें, लेकिन अब वो दिन मिलने वाला है जनता को जब इनका सफाया हो जाएगा। तो आप भी मानते हैं कि अच्छे दिन लाएंगे? अब सवाल अच्छे दिन का नहीं है कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएंगे। समाजवादियों ने जो सड़कें बनाई, समाजवादियों ने जो योजनाएं बनाई, समाजवादियों ने जो फैसले किए थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नया योजना लागू की हो तो बताओ। इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, क्या लैपटॉप दिया सरकार ने? क्या डेटा देने की बात की थी, क्या डेटा दिया? रोजगार देने और नौकरी देने की बात की थी, क्या नौकरी दी सरकार ने? क्या महंगाई कमने का वादा किया था, क्या महंगाई कम की? बिजली इतनी महंगी कर दी, क्या अस्पतालों में इलाज मिल पाया? कौन से अस्पताल नए बनाए? और वो तो भूल जाइए आप, जनता के लिए इनके सबसे बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, जमीन निश्चित हो गई, क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई?